रविवार को डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का 130वां अवतार महीना अम्बाला नामचर्चा घर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अम्बाला जोन की साध संगत ने हजारों की संख्या में नामचर्चा घर में पहुंचकर नामचर्चा का लाभ उठाया। इस अवसर पर कविराज भाइयों ने शब्दवाणी गाई व 130 जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित किए। वहीं 130 पौधे भी लगाए गए व 7 जरूरतमंद परिवारों को फूड बैंक से राशन दिया गया। नामचर्चा का शुभारंभ अम्बाला ब्लॉक भंगीदास प्रेमी रामशरण इंसा ने पवित्र नारा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा बोलकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जहां सेवादारों ने पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा डेरा सच्चा सौदा के बारे में किए गए वचनों के बारे में साथ संगत को बताया, वहीं पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से साथ संगत द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी और हाथ उठाकर विश्वास जताया कि वे हमेशा पूज्य गुरु जी की प्रेरणा पर चलते हुए मानवता भलाई के कार्यों को करते रहेंगे। इस दौरान 45 मेंबर कृपाराम इंसा ने कहा कि साईं शाह मस्ताना जी महाराज का 130वां पावन जन्म महीना मनाया जा रहा है, जिसमें साध संगत सेवा कर इस जन्म महीने को मना रही है, जिसके तहत साध संगत द्वारा जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं, वे 130 पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही 7 जरूरतमंद परिवारों को राशन भी वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुजी ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने की जो शिक्षा दी है, साध संगत उस पर पूरी तरह पहरा दे रही है। वहीं 45 मेंबर सुखदेव इंसा में बहन बीना इंसा ने कहा कि साईं बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का पावन भंडारा था, जिसके उपलक्ष्य में साध संगत द्वारा पंडाल को सजाया गया था और साध संगत खुशी से इस भंडारे में पहुंची, जिसके उपलक्ष्य में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और साध संगत के प्यार के आगे नाम चर्चा का पंडाल भी छोटा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट सच कहूं। साईं मस्ताना जी पिताजी का जन्मदिन था जी, उस खुशी में भंडारा बनाया गया। साध संगत बहुत ही खुशी से इस भंडारे को मना रही है और दूर दराज से संगत आई और हर संगत अपनी खुशी का माहौल बनाया, नाचते गाते यहाँ पे आई। भारी भीड़ में संगत यहाँ पहुँची और भंडारा बहुत ही ज़बरदस्त था। पूरा वातावरण में खुशी का माहौल था। पंडाल को सजाया गया, लंगर प्रसाद बांटा गया, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। 135 मानता भलाई के कार्य गुरुजी ने चलाए हैं, जिसमें से छोटा सा छोटा जीव से लेकर के हर इंसान जीव जंतु पक्षी सब का परमार्थ सब का भलाई का काम किया जाता है जी। आज गरीबों को राशन बांटा गया और गर्म कंबल बांटे गए जो गरीब आदमी थे उनको 130 के करीब, क्योंकि साईं जी का 130वां भंडारा था तो 130 ही आइटम आज बांटे गए थे जी। सारी दुनिया के भले खातर जो सेंसाइजन मुहिम चला रखी है, नाम दान ले के और अपना नाम जप के इसमें मतलब दिन से मुक्ति पा ले, तो ये बहुत ही बड़ा आसान तरीका सेंसा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से गरीबों की मदद का जो तरीका अपनाया है, ये देखने को बनता है जी। आज सारी दुनिया में जहाँ भी किसी भी तरह की कोई भलाई के कार्य है, हमारी संगत दिन रात करती है और ऐसे ऐसे भलाई के कार्य करती है जो आज तक पहले किसी ने नहीं किया। वो हमारे बेपरवाह मस्ताना जी जो मतलब कि पहली पातशाही, उनका ये भंडारा मनाया जा रहा है, जन्मदिवस मनाया जा रहा है, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना उत्साह है संगत में। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की जोन जो नंबर एक है, जो इतनी तादाद में आपके सामने पेश है, ये हमारे गुरुजी द्वारा ही बताया गया सारा कुछ कि मानवता भलाई के कार्य कैसे करने हैं। और अपने शत्रु के प्रति प्रेम तो आप देख ही सकते हो, वो ठाटे मार रहे हैं। हमने तो अभी एक ही मैसेज लगाया था तो लाखों की तादाद में संगत आके खड़ी हो जाती है, तो आप सोचो कि ये किसका मतलब कि पाठ पढ़ाया हुआ है, ये हमारे सतगुरु का। और मानवता भलाई के कार्य भी बहुत चलते हैं यहाँ पर, जैसे पिता ही हमारे कहते हैं कि गरीबों को आप राशन दो और जो गरीब हैं उनकी शादियाँ करवाओ, जो विधवा हैं उनकी शादियाँ करवाओ, उनके मकान बना के दो। ये 135 मानवता भलाई के कार्य हैं जो हमारे सतगुरु जी ने हमें सिखाए हैं।